और अब इस क्लास में हम 4.3 लेकर के आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आलेख खींचिए, दिए गए समीकरणों को क्या करिए, इनको लेते हुए एक आलेख खींचिए। देखो यार, आलेख क्या होता है आप जानते हो, यानी संख्या रेखा पर इस समीकरण को एक प्रकार से दिखाइए, इस समीकरण का ग्राफ खींचिए। वो कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक देखना। देखो इसमें जो दिया गया है इक्वेशन है, इससे हम पहले कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए जरा ध्यान देना है। यहाँ पर जैसे देखो, ये मैंने बना लिया एक स्ट्रक्चर, मतलब सारणी, इसी में हम पहले मानों को लिखेंगे। तो बच्चा लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ूंगा आज। मुकेश जी, प्रियांशु, सोनिका, चलिए देखिए, यक्स है, ये है वाई का मान। देखो बहुत गौर से देखना, पहला समीकरण हम करेंगे पहले, दूसरा वाले के लिए दूसरा सवाल बनेगा। यदि हम यक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 फुट करें तो क्या होगा, सोचो वाई का मान क्या आएगा। अगर यक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान, बच्चा लोग यहाँ पर 3 आएगा भैया, कितना आएगा, 3 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम यक्स का मान 1 रख रहे हैं तो वाई का मान क्या आएगा, 3 आएगा। बोलो आया ना, आया ना। कोई भी समीकरण का आलेख बनाने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट मालूम होना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट से आप नहीं खींच सकते हो। तो ये तो हो गया, एक कोऑर्डिनेट हो गया, क्या हो गया, 1,3, ठीक है। दूसरा, अब मान लो कि इस समीकरण में हम वाई का मान 0 रख देते हैं, तब क्या होगा, चलो वाई का मान 0 रखें तो ये 4 हो जाएगा, यानी यक्स का मान क्या हो जाएगा, 4। हम जब वाई का मान 0 रखेंगे तो यक्स का मान क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। ये हमारे 2 कोऑर्डिनेट हो गए, हम चाहे जितना ऐसे बना सकते हैं। और हाँ एक बात और, ये सभी एक ही रेखा पर स्थित होंगे, एक सीधी रेखा में स्थित होंगे। क्यों क्यों स्थित होंगे भाई सीधी रेखा में, क्योंकि ये सरल समीकरण है, ये सरल समीकरण है। सरल समीकरण का जो ग्राफ बनता है एकदम सीधा बनता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें मैं 1-2 कोऑर्डिनेट और भी ज्ञात कर लेता हूँ चाहे तो, आपके सुविधा अनुसार। चलो अब हम यक्स का मान यहाँ पर 0 रख देते हैं तो वाई का मान क्या आएगा, तो भैया तब भी वाई का मान 4 आएगा, यानी यक्स 0 रखोगे तो वाई 4 आएगा। अब रहने तो इसके आगे बनाने का कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन जो हमें कहा था करने को उतना मैं अब कर लेता हूँ। इसका आलेख बनाना था तो अब मैं बनाता हूँ, क्या जो आप अभी तक पढ़े हो चतुर्थांश वाला सिस्टम, ये होता है यक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, यही तो बोलते ना इसको। इधर होता है यक्स डैश अक्ष, इधर होता है वाई डैश अक्ष, इतना ही तो है ना, और कुछ तो नहीं है ना। आप जरा गौर से देखना इसके आगे क्या होता है साथियों, जब यक्स क्या है 1, वाई क्या है 3, हम यहाँ बिंदु को साइड में लिख लेते हैं, आप इन्हें ध्यान देना, 1, 3 है, दूसरा बिंदु 4, 0 है, तीसरा बिंदु क्या है 0, 4 है। इनको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। हम जानते हैं यक्स के राइट साइड सभी जो भी नंबर हैं वो प्लस जाते हैं, बोलो जाते हैं ना, ऊपर साइड में सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, प्लस होते हैं। यक्स के मतलब मूल बिंदु के बाई तरफ लेफ्ट साइड सभी मान निगेटिव होते हैं, ये -2, -3, -4, और नीचे भी वही हाल होता है। ये आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, काफ़ी परिचित हो पहले से। तो भैया 1,3 कहाँ होगा, जरा गौर से समझो, यक्स पे 1, यक्स पे 1 मतलब यहाँ है और वाई पे 3 मतलब ये। तो ये कहाँ पे जाएगा इसका बिंदु, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1,3। बात समझ में आई, बहुत ध्यान से देखना, अभी ग्राफ बनेगा एकदम सीधा बनेगा। 4,0, 4 यक्स पे वाई पे 0, तो यक्स पे 4 यहाँ है, वाई पे 0 मतलब ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। तो भैया 4,0 बच्चा इसी पे होगा, किस पे, इसी पे जहाँ मैं बिंदी रखा हूँ, 4,0 रख लो, ठीक है। इसको ऊपर लिखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इस चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होता भी है। तो ये हो गया 4,0, 0,4 यक्स पे 0, वाई पे 4। चलो यक्स पे 0 मतलब इधर की बिल्कुल नहीं जाना, इधर बिल्कुल नहीं आना, केवल वाई पे ऊपर 4 जाना, मतलब यहाँ
कहाँ पे? यहाँ। ये क्या है? ये वाई अक्ष में साइड में लिख देता हूँ, जगह बना देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको क्लियर होगा भैया। ये वाई अक्ष है, ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ पे आ रहा फोर पे, ये ऊपर भी जा सकता है, कसम नहीं खाया कि यहीं पे रहेगा, लेकिन ये यहीं पे रहेगा। ये क्या है? 0.4, 0.4। अब अगर हम एक ग्राफ खींचेंगे तो एकदम सीधा जाएगा, ये बहुत ध्यान से देखना, एकदम सीधा जाएगा, एकदम सीधा। यू अंडरस्टूड? बन गया ना? यही है इस समीकरण का आलेख। और इतना ही नहीं, इसमें आप कोई भी बिंदु फाइंड करोगे इस तरह से, यक्स और वाई में से कोई एक मान रख करके, तो जो भी बिंदु आएंगे सब इस रेखा पर स्थित होंगे, इसी रेखा पर सब आके इसी में घुस जाएंगे। ऐसा नहीं कोई माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कोई यहाँ आ जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया ये एक रैखिक समीकरण है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का जो आलेख होता है, ग्राफ होता है, हमेशा एकदम सीधा बनता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता इसे इसे। बात समझ गए ना? तो आप इसे जल्दी से छाप लो, ये पहला वाला हो गया। देखो ग्राफ पे ध्यान देना, बिंदु पर ध्यान मत देना, हो सकता है आपके उत्तरमाला में पॉइंट कुछ और दिए गए हों, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी रख सकते हो उसमें। मैं एक एग्जांपल इसमें आपको और भी दिखा देता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए, बहुत गौर से देखो कैसे। यहाँ पर आप अगर ध्यान दो तो मैं कुछ मान और भी निकाल देता हूँ। चलो इस समीकरण में हम क्या करते हैं, यक्स का मान अभी तक हमने 1, 4 और 0 रखा था, अब चलो हम 2 रख देते हैं। तो 2 रखेंगे तो भाई लोग क्या आएगा, वाई का मान 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। यक्स का मान 2 रखेंगे तो वाई का मान भी 2 आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 2.2 भी इसमें का एक कोऑर्डिनेट होगा। तो बच्चा जब यक्स पे 2 चलोगे, वाई पे 2 चलोगे, तो पहुंचोगे कहाँ, यहाँ पे, यहाँ से 2 यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ आएगा। इसको सीधा मिलाओगे तो कहाँ जाएगा, ये सीधा मिलाओगे तो कहाँ जाएगा, ये यहीं पे आएगा। कुल मिला करके ये भी इसी में ही, इसी लाइन पे ही होना चाहिए। ये हमारा लिखावट जो है, अगर आप ग्राफ पेपर लोके करोगे तो एकदम सीधा सीधा जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ग्राफ पेपर लेके करोगे तो एकदम सीधा जाएगा, कोई भी इसमें इधर उधर नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो ये 2.2 भी इसी पे आना चाहिए, इसी पॉइंट पे आना चाहिए, लेकिन संयोग बस क्या है कि हमारे यहाँ जो ये नंबर लिखे गए, मैंने तो ऐसे लिखा है ना, कोई माप वगैरह तो लिया नहीं है, ऐसे 1, 2, 3, 4 यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, वहाँ लिख दिया, इसलिए सीधा नहीं है, मतलब उतना अच्छा नहीं बैठ रहा है। बाकी ये भी इसी पे जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा जो यहाँ आ रहा है, ठीक है, बाकी इस हिसाब से तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये इसी पे जाएगा, क्योंकि ये दूरी बराबर होना चाहिए, 0 से लेकर 1 की दूरी, 1 से 2 की, 2 से 3 की, 3 से 4 की, हर जगह ये होना चाहिए बराबर बराबर दूरी पर, तब सीधा बैठेगा। बात समझ गए ना? तो कोई भी मान आप ले लो, सब उसी रेखा पर स्थित होंगे, चाहे जो भी लेके रख लो आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, दूसरा समीकरण क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। x माइनस वाई इक्वल टू का आलेख खींचना है, इसका आलेख कैसे बनेगा, पहले तो आप कोऑर्डिनेट फाइंड करो, इसके बिंदु फाइंड करो। तो भैया यक्स बराबर 0 रखो इसमें, 0, या फिर आप कुछ भी रख लो, ये नहीं जरूरी कि 0 ही रखो, 10 रख लो आप, 25 रख लो, 100 रख लो, कुछ भी रख लो। तो हम तो 0 रख रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा हल ना करना पड़े इस वजह से। तो ये माइनस का वाई इक्वल कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 2 आएगा ना, तो वाई इक्वल फाइनल में माइनस 2 आएगा। मतलब अगर हम यक्स का मान 0 रख रहे हैं तो वाई का मान हमें -2 प्राप्त हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, कुछ और भी रख के देख लेते हैं। वाई का मान चलो आपकी 0 रख देते हैं, देखो क्या होता है। वाई का मान जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, यक्स माइनस 0 = 2, तो यक्स बराबर होगा 2। जब हम वाई का मान 0 रखेंगे तो ये 2 होगा। वैसे कोई भी समीकरण का आलेख खींचने के लिए 2 बिंदु काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा बनाना कोई मतलब नहीं है। तो ये लो, ये है ओरिजिन जिसे मूल बिंदु कहा जाता है, ये है एक्स एक्सिस, ये है बच्चा वाई एक्सिस, और ये है यक्स डैश एक्सिस। ये वाई डैश एक्सिस मतलब अक्ष होता है हिंदी में, ठीक है। तो हमें केवल 2 तक ही ज़रूरत है, इसलिए हम केवल 2-3 तक ही गिनती लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। -1, -2, -1, -2, यहाँ 3 लिख दिए हैं, किसी को मुसीबत हो रही होगी, चलो कुल 2 ही 2। अब देखो पहला बिंदु है हमारा 0, क्या होगा, 0, -2, क्योंकि यक्स 0 है, वाई क्या है, -2 है। तो यक्स 0 है, इधर किसी भी तरफ को नहीं जाएगा, वाई क्या है,
वाई माइनस दो है मतलब नीचे आएगा, नीचे मतलब यहाँ, ये यहाँ होगा। अगला बिंदु क्या बनेगा हमारा, वाई पे जीरो है भैया, एक्स पे दो है, क्या है एक्स पे दो है, एक्स पे दो वाई पे जीरो है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, एक भी पॉइंट नहीं जा रहा, कहीं खिसक नहीं रहा है, तो क्या होगा, बस हो गया एक बिंदु ये हो गया, ये क्या हो गया, इसका ग्राफ खींचोगे एकदम सीधा ऐसे जाएगा, और आप चाहो तो इसको ऐसे बढ़ा भी लो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये इसका ग्राफ बन गया। बात समझ में आई ना, अपनी बुक में उत्तरमाला मिला लो, और मैं भी आपको मिला के बता देता हूँ, ऐसे ही बना है कि नहीं देख लो पहले फटाफट, ऐसे ही बना कि नहीं बना है, अरे कमेंट करके बताओ यार, शर्माओ नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज आपका नाम नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि नाम बोलने से टाइम वेस्ट होता है। बन गया ना, बात समझ में आ गई, जल्दी से छाप लो। देखो हमने दो तो करवा दिए और दो सवाल यहाँ पे दिए गए हैं, इन दोनों को आप खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि अगर आप खुद से कोशिश करोगे तब सब कुछ होने वाला है, तो इन दोनों सवालों को आप खुद से ट्राई करना बच्चा लोग, ठीक है, इनका ग्राफ बनाना, आलेख बनाना, क्योंकि अगर मैं सब कर दूंगा ना तो आप गधा बन जाओगे, खच्चर बन जाओगे, आप कोशिश नहीं करोगे, इसलिए मैंने दो बताया है, आप खुद से ट्राई करो, अगर तैरना सीखना है नदी में तो कभी कभी डूबना भी पड़ेगा एक आध बार, लेकिन हाँ डूबना नहीं, नहीं तो बह जाओगे, आजकल बहुत तेज बाढ़ आई है बिहार में, यूपी में भी, हर जगह नदियाँ उफान पे हैं, तो इस समय नहीं डूबना, तैरना सीखना जाता है जब नदियों में पानी कम होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ध्यान से देखना, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, और इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, कारण भी बताओ। तो भैया बहुत आसान है, ये पॉइंट दिए गए हैं 2,14, 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखिए। अभी तक आपने देखा था जब समीकरण दिए होते थे तो हम उसमें से x और y में से कोई एक मान रख करके और बिंदु निकालते थे, बोलो निकालते थे ना, निकालते थे, तो इसमें क्या है, बिंदु दिया समीकरण लिखना है, तो भैया इसका जो समीकरण हो जाएगा आप ऐसे लिख सकते हो हल में, पहले लिखो बिंदु 2,14 दिया है, दिया है, तो समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई हम कर दें अगर, x प्लस वाई, जहाँ पर x का मान 2 है, y का मान कितना है 14 है, यानी 14 है, तो 2 और 14 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, ये हो गया समीकरण, वैसे उत्तर आपका हो गया, आप चाहो तो कोई और भी समीकरण लिख सकते हो, अनंत समीकरण लिख सकते हो, अनंत कैसे, देखो ये x और y ना, ये x है ये y है, हम मान लो इस पर आधारित और भी समीकरण कैसे बनाएंगे, मान लो हमने एक समीकरण लिख दिया 2x प्लस वाई इक्वल कितना होगा, सोचो x की वैल्यू 2 है तो बच्चा ये 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसमें आप जोड़ोगे किसको 4 को किस में जोड़ोगे 14 में, तो ये 18 आएगा, ये समीकरण 2 हो गया। इस तरह से आप x का मान 0 रखो तो क्या होगा, समीकरण बनेगा क्या, जीरो कैसे रखोगे जी, यक्स का मान आप बदल नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, इसी के लिए समीकरण पूछ रहा है, किसी और के लिए नहीं पूछ रहा है, तो यक्स और वाई के मान आप नहीं चेंज कर सकते हो, कतई नहीं चेंज कर सकते हो, यू कैन नॉट चेंज इट, इंग्लिश में सीखो, ओके ठीक है, ये हो गया ना। हाँ एक काम आप कर सकते हो, अगर आपका मन है तो इसका आप तीसरा समीकरण ऐसे लिख सकते हो, यक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा, सोचो 2-14 करोगे तो क्या आएगा बच्चा, 2-14 माइनस में 12 आएगा ना, तो ये माइनस का 12, ये तीसरा समीकरण हो गया। अब तो आपको यकीन हो गया होगा, एक और लिख लो, एक समीकरण 3x-y हो सकता है, 3x मतलब 3 × 6, भाई देखो सीधी सी बात है, x की जगह पे 2 रख लो, y की जगह पे 14 रख लो, तो x की जगह पे 2 रखोगे 3 × 6 हो जाएगा, 6-14 घटाओगे उल्टा, 14 × 6 जाएगा 8 आएगा, माइनस का कितना आएगा 8, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब तो आपको दिख रहा होगा कि दूसरे सवाल का जवाब मिल गया ना, मिल गया ना, यानी ये समीकरण पूछा था, दो रेखा बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो भैया दो रेखा के बदले मैंने 4 रेखा के समीकरण लिख दिए हैं, और इस प्रकार की अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्यों, क्योंकि कह रहा बिंदु, बिंदु नहीं बोलना नहीं तो मार पड़ जाएगी, बिंदु बोलना ठीक है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखिए, और इस तरह से कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों,
तो भैया एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसे मैंने इस बिंदु से होकर ये खींच दिया, ये खींच दिया, ये 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 ये, ऐसे ऐसे खींचते हो ना 50 बार। बात समझ गए? तो ये था इसका आंसर। आपको फिलहाल अपने एग्जाम में या फिर नोटबुक में केवल 2 ही लिखना है। अगर आप 4 लिख दोगे तो कोई गलत नहीं काट सकता, अगर वो समझदार टीचर है तो। अगर वैसे ही है तो फिर भगवान भरोसे है, ठीक ना? तो आप क्या लिखोगे? 2 बिंदु, मतलब जो दिया गया है एक ही बिंदु दिया यार, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के 2 समीकरण x+y=16 और 2x+y=18 हैं। इस प्रकार की अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं अनंत होती हैं, क्योंकि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं अनंत होती हैं। नीचे ये चित्र बना देना जो मैंने रेखा वाला खींचा है चारों तरफ खचर पचर करके, इसको ऐसे खींच देना, समझ जाएंगे समझने वाले क्या है इसका मतलब। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, लेकिन उसके पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना सुन लो आप लोग। 16 अगस्त से मैंने कहा था कि भैया आपकी क्लास PBR स्टडी क्लास 9th और 10th चैनल पर चलेगी। आप YouTube पर सर्च करोगे लिख करके PBR स्टडी क्लास 9th और 10th, इतना लिख के सर्च करना, चैनल मिल जाएगा। नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, आपको अगर आप बड़े चैनल पे इसको देख रहे हो, हमारे नंबर 1 चैनल PBR स्टडी इलाहाबाद पर, तो नीले कलर में ये चीज़ दिखेगा, नीला दिखेगा, जैसे टच करोगे तुरंत चैनल खुल जाएगा, आपको कोई लिंक की ज़रूरत नहीं होगी। तो इतना कर लो, नहीं तो ऊपर नंबर दिया गया है इस पर संपर्क करना। दूसरा नंबर व्हाट्सएप का नहीं है, वो कॉल का नंबर है, ठीक है? चलें। कह रहा है यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax+7k आलेख पर स्थित है तो फिर a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो सिंपल सी बात है, इसको हल करना बड़ा ही हल करना आसान है, लिख लो। देखो आज मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, मिस्टर अभिषेक जी परेशान है, सुधांशु, स्वीटी सब हैरान है कि भाई नाम नहीं बोल रहे हो, मेरा नाम लो नाम लो। मैं नाम क्यों लूँ? नाम लूँगा तो पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए पढ़ाई करो। तो क्या करना है? ये भैया यक्स का मान है या वाई का मान है, जो भी बिंदु दिए होते हैं उसमें पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो यक्स का मान और वाई का मान रख दो। वाई का मान 4 है, यक्स का मान 3 है, रख दो, एक का मान आ जाएगा 12 = 3a + 7। तो भैया ये क्या हो जाएगा, 12 - 7 = 3a, तो ये 5 = 3a। तो आप लिखोगे 5/3 = a, यानी कह सकते हो a का जो वैल्यू है वो 5/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी गया, कंप्लीट हो गया। लिख लो जल्दी से, बस ऐसे ही करना था। बात समझ में आ गई ना? ये आप देख रहे हैं क्लास 9th की NCERT मैथमेटिक्स PBR स्टडी इलाहाबाद की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। साथियों आप ऑनलाइन घर बैठे पढ़ सकते हो। अगर आपके बड़े भैया दीदी हैं क्लास 10th में 12th में 11th में पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। अगर सबसे बड़ के भैया दीदी आपके पढ़ते हैं जो UPSC की तैयारी करते हैं, SSC बैंक रेलवे की, तो वो PBR स्टडी चैनल नंबर 2 सब्सक्राइब करें, वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टैक्सी किराया निम्नलिखित है, टैक्सी मतलब ऑटो, टेम्पू जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, है ना, आप लोगों ने देखा है 3 पहिया वाली। एक नगर में टैक्सी किराया निम्नलिखित है जिसमें पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। कुछ इसमें बातें अनर्गल दी गई हैं जिनको आपको अनदेखा करना। जैसे ये कह रहा कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, उसके बाद उसके बाद जो दूरी है, यानी भैया ये कितना दूरी है ये आपको मालूम है? हाँ, कुल दूरी x किलोमीटर है जिसमें से सिर्फ 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपये है। उसके बाद 1 किलोमीटर अगर छोड़ दें तब कह रहा है कि प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, और कुल तय की गई दूरी x किलोमीटर है। तो बताइए यदि कुल किराया y है, y रुपये है, तो फिर इसका एक समीकरण बनाइए। कैसे बनेगा सोचो जरा, एक मिनट के लिए सोचो। अगर आपके मन में कोई आइडिया है तो बताओ जल्दी कमेंट करके। कुछ समझ में आ रहा? नेहा साहू, आदर्श, बाबूदीन, पबजी लवर, दीपक मौर्य, नेहा अग्निहोत्री, आ रहा कुछ समझ में? देखो नगर तो छोड़ दो, टैक्सी किराया सोचो, अगर ये लफड़ा ना दिया होता शुरू में 8 रुपये वाला, तब आप आसानी से कर लेते। भैया कुल दूरी x किलोमीटर है और 5 रुपये प्रति किलोमीटर अगर किराया होता तो 5x हो जाता, सिंपल सी बात है ना। और कितना किराया होता? कुल y होता, यही होता ना। अगर ये 8 रुपये वाली बात ना दिया होता तो इसका समीकरण बनता
कितना बनता, 5x = y, यही तो बनता ना। लेकिन इसमें आ जाने से क्या लफड़ा है, देखो वैसे तो एक्चुअली 5 रुपए प्रति किलोमीटर किराया है, लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए जो है 8 रुपए है, 8 रुपए का मतलब 3 रुपए ज्यादा है, 3 रुपए ज्यादा है ना। तो भैया इसको इसी में जोड़ दो ना, 5x + 3, बस हो गई कहानी खत्म। क्या होगा समीकरण, 5x + 3 = y, बस इतना कहानी थी पूरी, आपका समीकरण आ गया। आ गया कि नहीं मनीष यादव जी, समझ में आ रहा ना, आर के रंजन आ रहा ना। चलिए तो ये हो गया समीकरण, कितना आसान है, एक बार फिर से समझ लो थोड़ी सी दौड़ भाग में। कैसे, देखो कह रहा कि एक नगर में जो टैक्सी का किराया है वो पहले किलोमीटर का 8 रुपए है, उसके बाद से प्रति किलोमीटर का किराया सिर्फ 5 रुपए है, और कह रहा है ये भी कि यदि टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस एक्स किलोमीटर है और टोटल किराया मतलब रेंट जो है वो कितना है, रेंट नहीं है, फेयर बोलेंगे ठीक है, क्योंकि बस और उसका किराया है ऑटो का, रूम का नहीं है, मकान का, तो कितना है वो, वाई रुपए है। तो इसका समीकरण बनाओ, अगर हमें ये लफड़ा ना दिया होता कि पहले किलोमीटर का 8 रुपए है, तब हम सिंपल से कर लेते ना, क्यों भैया कुल दूरी एक्स किलोमीटर है, प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है, तो 5x हो जाता, बराबर वाई हो जाता, लेकिन इसमें 3 रुपए बढ़ रहा है, इसलिए 5x + 3 = y हो गया, ये बन गया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और भी है, कह रहा है इसका रैखिक समीकरण तो लिखिए, लेकिन इस यहीं तक इसकी कहानी खत्म नहीं है, इसके आगे कह रहा है उसका आलेख भी खींचिए, मतलब इस समीकरण का आलेख खींचना है, खींच लोगे कि नहीं, अरे वो ग्राफ जो मैंने बताया था, चलो खींच के दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। किसी भी समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए पहले हमें क्या करना होता है, x और y के मान निकालने होते हैं, यानी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। तो पहले हम उन अक्षों को फाइंड करेंगे जो इस समीकरण को प्रदर्शित करेंगे, कहाँ पर, चतुर्थांश में। तो चलिए देखते हैं, आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th की NCERT मैथमेटिक्स, जिसमें आप इस समय 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3। तो छात्रों सबसे पहले आप एक टेबल बनाओगे, सारणी बनाओगे ऐसे, जिसमें मानों को रखोगे। जरा ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, समझने की कोशिश करना। कुछ स्टूडेंट फ़ोन कॉल कर रहे हैं, चूँकि आज ये लाइव इसी फ़ोन से ही चल रहा है भैया, तो मैं इनको साइलेंट कर देता हूँ, जिससे ये किनारे रहे, नहीं तो ये परेशान करेंगे ये सब। हाँ अब देखो, यहाँ यक्स के मान आप अलग अलग रखोगे, वाई के मान अलग अलग आएंगे, ठीक है। अब चलो यदि यक्स बराबर 0 रखें तो कितना आएगा वाई का मान, रख के जल्दी से बताओ, मैंने पिछली क्लास में सब बहुत अच्छे से बता दिया है। यदि यक्स का मान रखें 0 तो वाई का मान क्या आएगा, देखो इसमें रख के देख लो, 5 × 0 + 3 = कितना वाई, रख लो भैया ये 0 हो जाएगा, + 3 = y, यानी 0 जोड़ने से कोई मतलब नहीं, वाई का मान कितना आएगा, 3 आएगा ना, देखो ये कितना आया, 3। अब किसी भी समीकरण को चतुर्थांश में या फिर उसका ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट फाइंड होने चाहिए, कम से कम 2, तभी आप उसका ग्राफ खींच सकते हो। कृष्णा मोहन बिल्कुल राइट। अब देखो इधर एक हो गया ये, तो भैया इसके लिए पहले मैं इसको पूरा बना लेता हूँ। देखो 1, 2, 3, 4 −1, −2, −3, −4, −5, इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ग्राफ बनाना, है ना, 1, 2, 3, 4, जितना ज़रूरत होगी उतना नंबर आप लिख लेना अपने से, −1, −2, −3, −4। अब पहले हम कम से कम 2 कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, तब आगे चलेंगे। चलिए अब इसी समीकरण में x बराबर तो 0 रख लिया हमने, अब y बराबर 0 रख लो, मतलब इससे छोटा रहे, y का मान 0 रखो, x का मान क्या आएगा जल्दी कमेंट करके बताओ। अरे कुछ आप भी तो करो ना, मैं सब कर दूंगा, छाप लोगे तो क्या मतलब है, ऐसा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ट्राई करिए। योगेश कुमार, साहेब कुमार, मनीष, सुधांशु, आकृति, अरे कुछ तो करो ना यार, आप लोग भी तो कुछ करो, नहीं तो ऐसे पढ़ने से क्या मतलब है। 3/5 आएगा, अच्छा 0 रखने को बोल रहा हूँ भैया, 0, तो ये 5x + 3
बराबर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, यक्स बराबर माइनस तीन और ये बटा पाँच, माइनस थ्री अपान फाइव आएगा, निगेटिव आएगा, ध्यान देना माइनस में आएगा, हाँ माइनस में आएगा ना। अब देखो ये दोनों का हमें क्या करना, समीकरण पे दिखाना है। अब आप कहोगे यार ये तीन बटा पाँच माइनस में कहाँ है इसमें, तो चलो मैं इसको भी दिखा देता हूँ। भाग दे लो पाँच से, पॉइंट जीरो पाँच अंतीस, मतलब माइनस जीरो पॉइंट सिक्स लगभग होगा, कितना होगा माइनस जीरो पॉइंट सिक्स, ठीक। अब देखो सबसे पहले हमें दिखाना है जीरो कामा थ्री, ये जीरो कामा थ्री कहाँ होगा, चलो ढूंढते हैं बत्ती लेकर के भैया, इसमें जीरो कहाँ है। सबसे पहले तो आप जानते हो ये मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है, यहीं से सारी उत्पत्ति होती है। हाँ जीरो कामा थ्री का मतलब ये हुआ कि यक्स पे आपको जीरो पॉइंट चलना है, मतलब कहीं भी नहीं जाना, उसी पर रहना है, और वाई पर थ्री पॉइंट बढ़ना है प्लस में, तो वाई में प्लस में मतलब ऊपर को जाना है, और यक्स में तो एक भी कहीं बढ़ेगा नहीं, यानी ये जीरो पॉइंट जो थ्री है वो कहाँ होगा, यहीं पर होगा, होगा कि नहीं, वही होगा ना, क्योंकि यक्स वाला जो है ये तो कहीं बढ़ेगा नहीं, हाँ यहीं पर ही रहेगा, और वाई वाला जो है तीन तक जाएगा, तो ये सीधा फीधा यहीं पर बनेगा, यही सीधा है, लेकिन हमें समीकरण बनाना है, है ना। देखो सर आप ही ने तो कहा था, चलिए ठीक है, अब आगे देखो 0.6, आप ये सोचो कि 0.6 किसके बीच में होगा, भैया अगर माइनस हटा दे तो ये है 6, 0.6 इसका मतलब है 60 पैसा, 60 पैसा कितना, 1 रुपये से कम है ना, 1 रुपये से कम है ना, इसका मतलब ये है कि ये 0 और 1 के बीच में ही होगा कहीं, कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, आप ट्राई करके बताओ कहाँ होगा, चलो जल्दी करो सभी, 0 और 1 के बीच में ट्राई करो और बताओ कहाँ पर होगा, जल्दी करो फटाफट, और लिखते जाओ इसको, बनाते जाओ, तभी समझ में आएगा, वरना ये समझ उमझ में नहीं आएगा, ठीक ना, जल्दी करिए फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो ये भी इसी में ही कहीं होगा, बाकी कहीं दूर नहीं जाएगा, ये जस्ट इसी में ही होगा, एकदम आप अगर कोशिश करोगे ईमानदारी से तो तुरंत मिलने वाला है। देखो मान लो इसे हम 10 पार्ट में तोड़ लेते हैं, ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, 0.3, 0.4, डाट डाट डाट, बहुत छोटा छोटा पार्ट बनेगा ना, तो भैया मान लो ये 0.6 कहीं यहाँ आएगा, कहाँ आएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 0.0 - 3/5, ये क्या है 0 - 3/5, ठीक। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, जो समीकरण बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे देखो सीधा खींचना इसको, टेढ़ाने ना पाए, बाकी मैं तो ऐसे खींच रहा हूँ हाथ से ऐसे, ठीक है, बात समझ में आई ना। तो ये था किसका ग्राफ, जो समीकरण हमें मिला था भैया 5x + 3 = y, इसका ये आलेख है, क्लास 9th का पढ़ रहे हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर आपको बेसिक मैथ सीखना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीरो लेवल से जिनको पढ़ना है, ये सब नहीं आता कैसे क्या हुआ, तो वो सुबह 5 बजे से वीडियो आ जाता है, उसको देखते रहें। एक खुशखबरी आपको बता दें, PVR स्टडी चैनल नंबर 2 पर सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर की क्लास 25 अगस्त से शुरू हो रही है, और टीचर से बात हो गई है, UPSI SSC के लिए आपकी मैथमेटिक्स की कंपटीशन वाली क्लास भी होने वाली है, PVR स्टडी चैनल नंबर 2 पर ये सारी क्लास चलेंगी, ठीक है। PVR स्टडी 2.0 यूट्यूब पर सर्च करके आप फटाफट देख लेना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 4.3 का। उसके बाद यार दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो थोड़ा सा बड़ा है, देखो क्वेश्चन लिखना पड़ता है, इसी वजह से हम लाइव नहीं देते आपको, वीडियो ज़्यादा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा एक बात बता दो आप लोग, क्या आप क्वेश्चन अगर आपको ना लिखा जाए, बोला जाए अगर, तो आप लिख लोगे, हाँ या नहीं? अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन बोल दूँ और बोर्ड में ना लिखूँ तब समझ पाओगे? अभी कुछ तो हाँ बोलेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि अच्छा नहीं रहता है, आप लोग कहोगे यार समझ में नहीं आया ना, तो इसलिए ये क्लास शाम को लाइव नहीं होती 7 बजे, लेकिन आपको 7 बजे एक आपको प्रीमियर क्लास जरूर मिलती होगी, आप देखते होंगे, है ना, हो जाएगा क्या, सब चाहते हैं, अगर हम क्वेश्चन बोल दें तो कर लोगे, ठीक है।
अच्छा ठीक है, तो मैं करवा ही देता हूँ। चलो आप लोग रेडी हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जो आपने समझा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्योंकि भैया प्रोजेक्टर के जुगाड़ में हैं, जल्दी ही हम कुछ डिजिटल सिस्टम बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन लिखने में बड़ा टाइम लगता है यार। क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनो, जिनके पास बुक है बहुत ध्यान से सुनो, NCERT बुक है क्लास 9th की, जिनके पास बुक नहीं ना वो बैठ के थोपड़ा देखें इसे, हाँ बोलेंगे नहीं कुछ, चुपचाप देखेंगे। पहले जिनको बुक नहीं लेके आते थे ना स्कूल में, हमारे टीचर लोग उनको मुर्गा बनवाते थे, तब तक जब तक सब लोग सवाल लिखते थे तब तक वो मुर्गा बनने, उसके बाद जब सब लिख लेते थे वो भी आके बैठते थे। वही करवाएंगे कल से हम भी, अगर आप लोग बुक नहीं लाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से समीकरण का चयन कीजिए। अब इन आलेखों में जो समीकरण दिए गए हैं, ध्यान दीजिए NCERT बुक है आपकी, वैसे दिख नहीं रहा होगा इसमें, इसमें से आपको कौन सा समीकरण इस पे फिट बैठेगा वो दिखाना है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये जो पहली मंडली है इधर साइड में, इसको लिखो आप लोग, जो बुक लिए उनको अच्छा पल्ले पड़ेगा। पहली तरफ जो आलेख बना है वो है भैया वाई बराबर एक्स, रुके रहो यार काहे भाग रहे हो। दूसरा समीकरण है एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो, इसको लिखते जाओ लेकिन खाली याद बैठोगे तो मज़ा नहीं आएगा। वाई इक्वल टू एक्स, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब देखो इसमें कौन सा सही है किस ग्राफ के लिए, उसको दिखाना है, ध्यान देना। 2 + 3y = 7, 2 + 3y = क्या है भैया 7x, ओके। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें से कौन सा समीकरण सही है कौन सा नहीं सही है। हाँ, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण चुनिए। अलग अलग आकृति के लिए दिया गया है, अब इधर जो ये आलेख दिया गया है इसको भी आप ड्रा करो फटाफट, मैं तो खींच रहा हूँ, आप लिखो या ना लिखो। चलो तो भैया लोग इसमें नंबर ऐसे हैं 1, 2, 3, ये सब में रहता है ऐसे ही, नीचे माइनस में होता है, इधर भी माइनस में होता है ना, ईमानदारी से देखोगे समझ में आएगा, 9th में पढ़ते हो तो बहुत ज़रूरी है, अगर लगी है किसी को तो चला जाए जल्दी से। हाँ इतना हो गया, अब इसमें क्या है, ये है मूल बिंदु, क्या है ये ओरिजिन है, मूल बिंदु, ये 0, 0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0, 0 होता है। इसमें जो समीकरण दिया गया है वो कुछ ऐसे दिया गया है, मैं यहाँ पे खींचता हूँ, ध्यान देना। समीकरण जो दिया गया है यार, ये 1 से होते हुए जा रहा है और ऊपर -1 के साथ, यार ये कहाँ बज रहा है, बंद करिए महेंद्र। तो ये समीकरण ऐसे दिया, आप बुक में फिलहाल देख लेना अपने, आपके पास बुक है ना, बुक में देख लो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, देख लो बुक में। ये आपका दिया है समीकरण जो 1 - 1, 1, हाँ तो -1 मतलब ये सीधा यहाँ जाएगा, 1 मतलब यहाँ, यहाँ -1, 1 है, क्या है -1, 1 आपके बुक में दिया है 9th वालों, ध्यान से देखना। नीचे भैया ये कहाँ तक गया है मालूम है आपको, 1, -1 मतलब ये x पे 1, ये और y पे -1 मतलब ये, ठीक है। तो ये जो है आ करके कहाँ मिलना चाहिए, सीधा सीधा उसी पे जाके मिलना चाहिए। ये समीकरण थोड़ा ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर ऐसे जाना चाहिए, मतलब जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वहीं पे जाके मिलना चाहिए, वैसे ही गया हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, 1, -1। अभी तो मैं क्वेश्चन लिख रहा था, कुछ लगाया नहीं हूँ, ये ओनली क्वेश्चन है। अब देखो इसमें चारों समीकरण से ये ग्राफ किस समीकरण का है ये बताना है, समझ में आई बात,
ग्राफ कैसे खींचते हैं ये मैं पिछली दो क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। मतलब आपको उत्तर दिया है, ये बताना है कि इनमें से किसका उत्तर है ये। चलो रेडी, फाइव चिकन थर्ड फोर में से किसका आंसर है? चलो कोई बताए, एनीवन, कोई बताए। चलो मैं चेक करता हूँ एक एक। इनके जो मूल जो इनके बिंदु दिए गए हैं भैया, वो क्या दिए गए हैं? कोऑर्डिनेट जो है माइनस वन कामा वन, और एक दिया गया वन कामा माइनस वन। यही दिया गया ना, यही दिया गया ना। अब ध्यान दो, अगर हम इसका देखें निकालें तो क्या होगा? अगर इसमें हम यक्स का मान माइनस वन रख दें तो क्या आएगा? वाई का मान माइनस वन आएगा, आएगा ना। सोचो अगर इसमें हम यक्स की जगह पे, चूंकि यहां माइनस वन दिया है, देखो यहां भी दिया था, तो अगर माइनस वन रखोगे बच्चा तो ये वाई का भी क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। यानी दोनों बराबर है तो माइनस वन आएगा, लेकिन इसमें कोई भी मान माइनस वन में दोनों में नहीं है। देखो एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, दोनों माइनस है किसी में? बोलो है, दिख तो रहा ना, दोनों माइनस है किसी में नहीं है, बुक में देख लो। इसका मतलब ये समीकरण गलत है, इसका किसी से भी मैच नहीं खा रहा आंसर, इसका जो बिंदु आ रहा है अलग आ रहा है एकदम, दोनों माइनस आ रहा ना। चलो दूसरे में ट्राई करते हैं, चूंकि हमें बिंदु दिए गए हैं, ये निर्देशांक दिए गए, हमें रख के ट्राई करना है। दूसरे में ट्राई करते हैं, पहला गलत है, हम मिटा भी दे रहे हैं, इसका काम खत्म, पहला गलत है। दूसरे में देखो x प्लस वाई इक्वल जीरो, अब हमें दी गई है x की वैल्यू माइनस वन और y की वैल्यू प्लस में वन आनी चाहिए, तो x का वैल्यू माइनस वन रखो इसमें, तो माइनस वन प्लस वाई इक्वल जीरो, यानी y अगर यहां से निकालोगे तो बच्चा ये वन आएगा। यानी x का माइनस वन रख रहे हैं तो y का क्या आ रहा? प्लस वन आ रहा है, आ रहा ना, माइनस वन प्लस वन, इसका मतलब भीड़ गया टाका, हो गया सही ना। यानी ये सही है, ये क्या है? सही है, ये सही है। क्यों? क्योंकि यार जब माइनस वन x का रख रहे हैं तो y का प्लस वन आ जा रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो आपका ये दूसरा नंबर ऑप्शन सही था। कुछ लोगों के मन में चहलकदमी मची होगी, क्या तीसरा भी सही है का? चलो तीसरा भी देख लो फिर, कहा इसमें कौन सी बड़ी देर है, तीसरा भी देख लो, सब मैं दिखा दे रहा हूं, देखो तीसरा भी देख लो, ये सही था, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, काम खत्म हो गया इसका, आप लोग नोट कर लो। हाँ अगर नहीं समझ में आएगा जो मैं मिटा दिया हूं तो वीडियो बैक कर लेना, ऐसे दो तीन बार टैप करके वीडियो पीछे चला जाएगा, आपको मिटाई गई चीजें फिर से दिखने लगेंगी। समझ में आया ना तरीका? समझो, दो तीन बार स्क्रीन पर टच करोगे, किधर साइड में? अपने स्क्रीन पे इधर साइड में, बाएं साइड में, तीन चार बार टच करोगे पीछे हो जाएगा। चलो इसमें यक्स का मान माइनस वन रखो, यक्स का मान माइनस वन जब रखोगे भैया तो वाई का मान माइनस दो आएगा, वाई का मान क्या आएगा? माइनस दो। तो माइनस वन कामा माइनस दो कोई बिंदु था क्या इसमें? माइनस वन कामा माइनस टू था कुछ? बोलो था कहीं? नहीं था ना, था नहीं था ना, इसका मतलब ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन नहीं सही है, चौथा में रखोगे ये भी नहीं सही है, यानी दूसरा सही था। समझ में आ गई ना बात? तो ये आलेख अगर खींचना आप सीखे हो तब आपके लिए आसान है, और अगर आपने नहीं सीखा था तो आपके लिए बड़ा खट्टा लगेगा, ये मजा नहीं आएगा इसमें, ठीक ना। अब इसमें का एक और भी है, उसको भी देख लो, एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन वन, सॉरी वन नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये अध्याय है, जिनको कॉन्सेप्ट सीखना उनके लिए तो बड़ा ये रामबाण है, ठीक। समझ में आ रहा ना राधे श्याम जी? समझ में आ रहा ना? चलो अब अगला देखो, बहुत ध्यान से समझना। ये पेज नंबर है एनसीईआरटी बुक 9th में 89 पेज नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, मैं सारा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनो, ये तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। अगर आप लोग बिना क्वेश्चन लिखे समझ जाओगे, मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा तब तो हम बड़े खुशी से पढ़ाऊंगा, एक दिन में कई क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखने में बड़ा गड़बड़ लगता है यार, इतना बड़ा दूर लिखो उसको। चलो दूसरे के लिए जो ग्राफ बन रहा है वो कहाँ से जा रहा है? ध्यान दो, नीचे दो से होते हुए जा रहा है, दो कामा जीरो है, ऊपर माइनस वन कामा तीन है, मतलब तीन ही यहाँ कहूँ है, माइनस वन का मतलब ऐसे, यानी यहाँ है, यहाँ माइनस वन कामा तीन है, और ये कहाँ से जा रहा है भैया? दो से, दो कामा जीरो, यहाँ दो कामा जीरो है, ये समीकरण है, ध्यान दो,
कहाँ से जाएगा ये लंदन से होते हुए जाएगा इसे, लेकिन मैं तो गड़बड़ कर दिया यार, सीधा जाना चाहिए भैया। ये ध्यान दो, आपके बुक में बना है पेज नंबर 89 NCERT बुक में ये बना है, ये गया। हाँ आप ध्यान देना, ये जो आलेख है, जो ग्राफ है, वो दिखाए गए किस समीकरण का उत्तर है आपको ये बताना है, और वो समीकरण फटाफट नोट करो, 5G की स्पीड में लिखो। चलो पहला समीकरण है y=x+2, एक एक ट्राई करना है। चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, तब सब लिखूँ क्या, एक एक ट्राई करो। दूसरा भी लिखूँ y=x-2। चलिए दो पे ट्राई कर लेते हैं, तब बाकी दो ऑप्शन बाद में लिखेंगे, ठीक, समझ रहे हो ना। दो पे ट्राई कर लेते हैं, ध्यान दो, देखो कोई भी एक बिंदु रख के ट्राई कर लो, 2,0। अब देखो अगर यक्स का मान 2 रखोगे तो क्या वाई का मान 0 आ रहा है? अगर आ रहा जिस समीकरण में, वो समीकरण सही है, तो चलो यक्स का मान इसमें 2 रखो। तो बच्चा लोग जब यक्स का मान इसमें 2 रखोगे तो वाई का मान जो है 0 नहीं आएगा बल्कि 4 आएगा। कितना आएगा? वाई का मान 0 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर निर्देशांक 2,0 है, यक्स का मान 2, वाई का 0, लेकिन जब हम 2 रख रहे हैं x पे तो ये 4 आ जा रहा। इसका मतलब ये समीकरण गलत है, ये दिया गया आलेख इस समीकरण का नहीं है, दिया गया ये ग्राफ इस समीकरण का नहीं है, ठीक। रवीश कुमार आ रहा समझ में ना? आप लोग बुक लियो कि नहीं यार? बुक लेके बैठा करो, क्लास 9th की शाम को 7 बजे रोज क्लास चलती है, मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ हर दिन, आज पढ़ रहा हूँ, कभी कभी मैं लाइव में आता हूँ कमेंट पढ़ता हूँ, बाकी नहीं पढ़ता हूँ, बाकी आपको कमेंट लिख कर रिप्लाई मिलता होगा। हाँ तो चाहे जैसे भी आपको मिले, लेकिन समझ में आने की गारंटी होगी। समझ में आ रहा मिस्टर कृष्णा रबीस? दूसरे पे देखते हैं, यक्स का मान 2 रखो, देखो वाई का मान 0 आ रहा है, अगर आ रहा तो सही है। यक्स का मान क्या रखो? 2 रखो, तो बच्चा लोग आप देखो वाई का मान 0 आ गया, आ गया ना, आ गया ना, इसका मतलब काम बन गया। अब तीसरा चौथा जाए भैंस चराने, उससे कोई मतलब नहीं है, ये सही है। यानी कि आपका जो ये ग्राफ बना है, ये समीकरण y=x-2 का है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो -x+y=-2 का है, या फिर देखो अलग अलग समीकरण है, इसको अलग अलग रूप में लिख सकते हो, ये भी वही है, नीचे वाला जो है ये भी वही है, या फिर x-y=2 ये भी वही है, उन समीकरणों का अलग अलग रूप है बस, समझ गए ना। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म हो गया है, इसमें 6, 7, 8 3 क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे, लेकिन आज वक्त इसके आगे इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि आधे घंटे की ही क्लास होती है और भी टाइम नहीं बच पाता है, बहुत सारी क्लासें होती हैं PVR स्टडी ऐप में, तो हम टाइम निकालेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ आप शाम को 7 बजे से जुड़ें और हर दिन पढ़ें। जो छात्र नोटिफिकेशन नहीं पाते हैं क्लास की, वो ध्यान से सुने, जो छात्र क्लास की नोटिफिकेशन नहीं पाते हैं वो PVR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि क्लास शुरू होने के पहले टेलीग्राम पर लिंक भेज दी जाती है, ठीक ना, क्लास शुरू होने के पहले टेलीग्राम पर लिंक भेज दी जाती है। आप टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखिए, उसमें सारी फ्री क्लास की सूचना भेजी जाती है, डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डालिए, वेरीफाई करिए, उसके बाद PVR स्टडी लिख करके सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। हाँ अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट कोर्स आप जल्दी से जल्दी सीख जाएं, मतलब ऐसे तो छोटी छोटी क्लास होगी, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन 9th लिख करके भेजें, और इसके लिए आपको फीस पेमेंट करना होगा, फिर आप कंप्लीट कोर्स जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है, समझ गए ना। पूरा क्लास 9th की मैथमेटिक्स के लिए आपको इस समय प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 699 पे करना होगा, पूरे साल भर के लिए 699 में पूरा 9th की मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगी, NCERT सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं तो इसको कर लें, नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें, YouTube पे ऐसे शाम को 7 बजे देखते रहें। इसको करेंगे तो आप डाउट वगैरह पूछ पाएंगे, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आप भेज के पूछ सकते हो, बिल्कुल डाउट नेट की तरह नहीं, क्वेश्चन भेजोगे वीडियो मिलेगा, नहीं समझ में आएगा तब ठीक है, 2 बार बताया जाएगा, 4 बार जितना बार पूछोगे, पूरा कोर्स भी मिलेगा, रेगुलर क्लास मिलेगी। अगर इसको आप करोगे तो एक एक दिन आप चाहो तो 2 घंटा भी पढ़ सकते हो,
दो दो तीन तीन घंटा पढ़ सकते हो। हाँ अगर चाहते हो तो भैया 30 मिनट पढ़ते रहो यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फ्री क्लास के लिए, पेड वाला चाहिए तो इस पे संपर्क करो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, रात 10 बजे से फिर से लाइव होगी, रवीश कुमार जी बिल्कुल डेली लाइव होती है, डॉक्टर मनोहर।